सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और आज है 31 दिसंबर, तो हैप्पी न्यू ईयर सबसे पहले। और अभी हम जा रहे हैं इस बढ़िया आदमी को घुमाने के लिए। सुबह 6:30 बजे हैं, इन्होंने हमें उठा दिया है कि हमें घुमा के लाओ, और मैंने बटन भी नहीं दबाया। 0 ओके, चलो। तो गाइस, कल मम्मा डैडी कहीं गए थे तो रोटी बनी नहीं रहा तो घर में, तो आज इसको हम ब्रेड खिला रहे हैं। सो गाइस, फाइनली आलसी जनता उठ चुकी है। हेलो जी, अच्छे प्रेशर के लिए गर्म पानी। ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, मजा आ गया। गुड मॉर्निंग ब्रदर, जाना लौड़े। तो गाइस, फाइनली नहा धो के हम आ चुके हैं। काफी ज्यादा टाइम हो गया है, खाना भी खा लिया है, और ये सुबह से गेम में लगा हुआ है और कुछ नहीं किया इसने सुबह से। और अभी हमारे यहाँ पे फूड बन रहा है। क्या बन रहा है अभी फूड में? छोले और पूरी और रायता और आलू सब्जी नहीं बना देखती हूँ अभी, ले जाता हूँ। So guys, the chola is in progress। यहाँ पर प्याज उबल रही है और यहाँ पे मसाले को वो क्या बोलते हैं घोट दिया गया है। आज क्या है? आज क्या है? तेरे को क्या बोलते हैं? बता। आज ओमिक्रॉन के 535,000 केस आए हैं अमेरिका में। हमेशा बेकार बात करियो, अच्छी बात बता। आज आज अच्छा क्या हुआ? कुछ भी अच्छा। अरे आज 2021 की वाईफाई का पैक खत्म हो गया। कोई नहीं, कर दिया जी रिचार्ज। आज न्यू ईयर ईव है। ईव कैसे बोलेंगे? ईव ही बोलेंगे। मैं अभी तो ईव कह रही हूँ। मैंने कहा थोड़ा जोर दे के बोलो, ईव है। ईव न्यू ईयर ईव। और फिर हम आ चुके हैं बैक टू छोले। ये हर कुछ भी हो जाए हमारे घर में, हम ऐसे छोले ही बन रहे हैं। क्या बनाए बता? छोले बनाओ। छोले ही बनाए? सादो भटूरे। भटूरे नहीं, पूरी। भटूरे मेरे से नहीं बनते यार, मुझे ना भटूरे जमते ही नहीं है। तो मैं जब देखो मैं ऐसे चुटकी बजाएगा और यहाँ पे छोले आ जाएंगे। हाँ, तुम्हारे बाप करा आ जाए, इतनी जल्दी बन जाएंगे मुझे बेटे। हमारे बाप करा जी। किसने बोला? सबका बाप एक, ऊपर वाला उसी का राज। पंखे का? पंखा नहीं, ऊपर वाले का। अब आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी। अब तू कहाँ जा रहा है? अच्छा, आ जाऊँगा एक घंटे के अंदर। मेरे को 5 तो बज ही रहे हैं, 6 बजे लगभग घर आ रहा है। मुझे अकेले छोड़ के जा रहा है? या तो चलो गाइस, मैं नीचे खेलने जा रहा हूँ। मुझे नहीं लोगों को जो बोर होंगे मेरी बात। अब माता जी के साथ आप बात करिए। आप कहते हैं ना
मेरे को स्कूल में बोलता रहता है कि आंटी की आवाज़ कितनी अच्छी है, कितना अच्छा बोलती है। अब सुनो, बहुत बोलती है। सुनो सुनो, आप फूल मौका। अच्छा, तो भी मैंने डाला है इसमें लाल मिर्ची, ठीक है, और लहसुन डाल दिए। थोड़ा जोर से बोलिए जी। थोड़ा पकड़ के रखना, फिर मैं तो बंद कर दूंगी। अभी इसमें गया लहसुन, लाल मिर्ची और ये गरम मसाला, ठीक है। इसको हल्का सा भूनेंगे और उसके बाद में हम डाल देंगे इसमें दो टमाटर। ये काले वाले छोले बना दे ना, इसलिए ऐसे डार्क ग्रीन। वो अच्छे लगते हैं छोले कुलचों के साथ, और ये काले वाले अच्छे लगते हैं पूरिया या फिर भटूरे के साथ। जो मैंने एक महीना डाइट किया ना, वो खत्म हो जाएगा। पूरिया ही तो बनाऊं बस। पूरी में कितना तेल होता है? तो पानी में उबाल। यूजुअल स्टेप से जो टमाटर ममाटर अपन गिर के वही है। टमाटर डाले, भुना और छोले डाल दिए, बस इतना करना है। वाह, बन गई सब्जी। अरे ऐसे बनती है, ऐसे करके। वासु को भी, वासु भी बनाता है ना। ओ बस ये है, उसे खाता कोई नहीं। जब मैं कहीं जाती हूँ तो वासु भूखा बैठा रहता है, लेकिन खाना नहीं बनाता। हालांकि मुझे आता सारा। मैं बना सकता हूँ पर, लेकिन मैं क्या डाइट पे हूँ इसलिए मैं नहीं बना रहा। कल इसने कुछ भी नहीं खाया। कुछ भी नहीं खाया मैंने, मैं सिर्फ चाय भी। कल मेरी डाइटिंग अच्छी हुई। कुछ भी नहीं, और सारा रूम कल वासु ने साफ किया। शायद आप लोग को दिखाया होगा इसने। नहीं दिखाया। तूने दिखाया? यू शुड चेक कि तूने कितना काम किया है। पूरा रूम अपना इसने साफ किया है। अरे ऐसी थोड़ी होनी बड़ी बात। हाँ, एक महीने बाद साफ होना चाहिए, समय कितना भी हो। रोज मैं कपड़े तय करके रखती हूँ, कभी तय नहीं रहते, वो निकल जाते। लेकिन कल हुआ है पता नहीं क्यों, ये अचंभा मैं खुद हैरान हो गई। गाइस ये छोले देखो, ब्लैक कलर के हो गए हैं। ऑफ कोर्स ब्लैक छोले बना रहे हैं। तो ये कैसे करते हैं वासु? ब्लैक छोले, ये ब्लैक छोले कुछ नहीं, चाय पत्ती है इसके अंदर। आंवला, आंवला और चाय पत्ती। चाय पत्ती इसलिए, अगर आपका कलर नहीं आ रहा हो तो चाय पत्ती गिर दो, कलर आ जाएगा। सीक्रेट। आंवले से क्या उतना डार्क कलर आता नहीं, इसीलिए चाय पत्ती डाल देने का, झोल करने का। सो गाइस वेलकम बैक। आज है 1 जनवरी 2022, पहला दिन 2022 का। तो सबको सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर। और अभी 4:30 बज रहे हैं, तो अभी जस्ट आरोग्य सेतु पे 15+ वैक्सीन की वो खोला है स्लॉट, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बुक करूँ। और तो अभी वही, इसलिए मैं पीसी पे बैठा हूँ, मेरे को देखना पड़ेगा। पहले मैं फटाफट से एक बार आरोग्य सेतु खोल के अपने आप को रजिस्टर कर लूँ उसके ऊपर, क्योंकि मैं अभी जस्ट 24 को मेरा बर्थडे था, मैंने ब्लॉग नहीं डाला क्योंकि हमने कुछ बनाया ही नहीं। तो मैं 17 का कंप्लीट हो गया हूँ, तो वैसे तो एक साल रुक सकता हूँ मैं, पर लेकिन अगर कहीं भी जाना होगा तो ये वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मांगेंगे, इसलिए तो मेरे को करवानी पड़ेगी। इसलिए मेरे को वैक्सीनेशन, एक सेकेंड, वैक्सीनेशन करवानी पड़ेगी मेरे को। तो कोविन, ये देखो यहाँ पे ना सिर्फ कोवैक्सीन आ रहा है। जैसे मैंने 15 to 18 का एक क्राइटेरिया सेलेक्ट कर रखा ना, तो सिर्फ कोवैक्सीन आ रही है, मतलब कोविशील्ड आई नहीं अब तक। यहाँ पे मेरे को 3 दिखा रहा है जिसके अंदर की अवेलेबल है, बाकी ये सारे बुक। ये दिखा रहा है सिर्फ 3। माँ एक बार इधर आओ। ये देखो जी, 3 जगह मिल रही है 3 तारीख में। एक तो ये पता नहीं नेमी नगर को वैशाली एक्सटेंशन ये कोई जगह है, फिर एक ही विद्याधर नगर में, एक हनुमान नगर में। डैडी को पूछ, मुझे आइडिया नहीं। कोवैक्सीन है सारी, सबसे सस्ती ये वाली करा लेता हूँ। 3 जगह मिल रही है 15 एंड अबव की। अभी लगवाऊं कि एक हफ्ता रुकूं? पूछती हूँ। चलो, 3 जगह मिल रही है विद्याधर नगर में, वैशाली में, सबसे सस्ती वैशाली में कोवैक्सीन। 3 तारीख की है, अब आप बताओ एक हफ्ता रुकूं कि अभी लगवाऊं? 3 तारीख की, 3 जनवरी की, परसों की। हाँ तो लगवा लेना, या एक हफ्ता रुकूं पहले? क्यों, देख तो ले क्या पता कुछ उल्टे सीधे रिएक्शन हो, फिर खुद ही बंद कर दे बाद में। एक हफ्ता रुक जाता है ना, तो
तीन नहीं तो लगवा ही लूंगे, क्या ही फर्क पड़ेगा। 17 को तो मैं वैसे ही हो गया, अगले साल 18 का वैसे ही हो जाऊंगा। क्या बताऊं, लगवा ही लेते, बुक करवा रहा हूँ मैं फिर। ठीक है, सो गाइस हम करवा रहे हैं बुक, हम करवा रहे हैं ये दाना शिवम हॉस्पिटल। पहले देखना पड़ेगा कि ये है कितना। कैश मेमो नंबर है 173593। यार मेरा फोन, यार गाइस सब्सक्राइब करो, नया फोन लेना है मेरे को। दाना शिवम, ये ज्यादा दूर नहीं है, ये 9 किलोमीटर है खाली। ठीक है तो इसमें करा लेते हैं, 79 स्लॉट्स है। टाइम स्लॉट सेलेक्ट कर लेते हैं अपन, 11 AM to 12 PM वाला सही रहेगा, है ना, क्योंकि मेरे नींद भी नहीं खुलती इतनी जल्दी। तो 15+ एंड कन्फर्मेशन, हो गया। आगे नहीं दिखा सकता, मतलब दिखाऊंगा पर, लेकिन एक सेकंड रुको। ये देखो, तो ये ऐसा नॉर्मल वैसा ही है जैसा नॉर्मल उनका निकलता है ना, बिल्कुल वैसा ही है। देखो द सेम, चलो बढ़िया है। तो 3 जनवरी सुबह हमारा प्रीफर्ड टाइम स्लॉट है 11 AM to 12 PM का, तो हम इसमें आपको लेके ज़रूर चलेंगे। और फर्स्ट यूट्यूबर 18 से कम जिसको वैक्सीनेशन लगेगी, मे बी वो मैं ही हूँ, क्या पता, यू नो। तो ब्लॉग ज़रूर देखना। ओके चलो ठीक है, तो ये निकल गया अब, मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। तो गाइस आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ करो प्लीज़। और अगर आपको रेगुलर अपडेट्स चाहिए जैसे कि हम कहाँ जा रहे हैं वगैरह वगैरह, तो आप इस इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर सकते हैं यहाँ पे जो है, या फिर उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, वहाँ पे भी है। अगर वहाँ से भी नहीं करना आपको तो आप चैनल के अबाउट सेक्शन में जा सकते हैं, वहाँ पे भी है। और अगर करना ही नहीं तो फिर कोई बात नहीं, पर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, फ्री ऑफ कॉस्ट, वेरी वेरी फ्री, नीचे लाल बटन है कर दो। और मेरे को 3 साल हो गए यूट्यूब पे, 2021 में मैं चाह रहा हूँ, इसके अंदर हमारी, इसके अंदर मेरा गोल है कि एटलीस्ट दिसंबर तक हम 10,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुँच जाए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। और हाँ, 3 तारीख को मेरी वैक्सीनेशन है, तो मैं उसका भी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। तो बाय बाय।